विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल की जहां पर दल बदलने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। नौगांव से पूर्व सांसद और दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मिर्धा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। उनके साथ पूर्व आईपीएस सवाई सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान बीजेपी में शामिल होने पर न्यूज 18 से खास बातचीत में ज्योति मिर्धा ने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया, साथ ही ये भी कहा कि आलाकमान आदेश करेगा वो काम करने के लिए संकल्पित रहूंगी। इस वक्त मिर्धा ज्योति मिर्धा बातचीत के लिए मौजूद हैं। ज्योति मिर्धा जी, भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा है, कांग्रेस में थे, अब तक आप कैसा उत्साह है और क्या कहेंगे? जी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। मुझे लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व के अंदर जो उन्होंने मुझ में विश्वास जताया है, और मुझे लगता है कि आगे विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं पार्टी को मजबूत कर सकूं, अपने लोगों की आवाज को बुलंद कर सकूं, और राष्ट्र निर्माण में जो भी मेरी भूमिका बन सकती है मैं उसको निभाने का प्रयास करूंगा। राजस्थान में महिला अत्याचार को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती है, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, क्या समझती है इस मुद्दे को, कैसे देखती है? देखिए, महिला अत्याचार यूनिवर्सली एक बुरा मुद्दा है, चाहे राजस्थान हो चाहे कहीं पर भी हो। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और हर एक इंसान को उसके खिलाफ होना चाहिए। राजस्थान की सरकार से मैं अभी भी यही निवेदन करूंगी कि अगर महिला अत्याचार का कोई भी मुद्दा उनके सामने आता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, ताकि ये जो एक आम धारणा बनी है लोगों को, जो आज डर की सी फीलिंग आती है राजस्थान में, चाहे वो मतलब जो हमारे विधायक हैं कुछ लोगों ने, तो उन लोगों ने भी ऐसी अपने कंसर्न्स वॉइस करे थे। मुझे लगता है कि एक सीरियस मैटर है और इसके ऊपर उनको एक्शन करना। अगला चुनाव लोकसभा का लड़ेंगी, विधानसभा का लड़ेंगी, जैसा पार्टी डिसाइड करेगी वैसा करने के लिए। 2019 का चुनाव हनुमान बेनीवाल के सामने आप लड़ी थी, पिछली बार वो गठबंधन में थे, क्या लगता है इस बार वो अलग हैं भारतीय जनता पार्टी से, और आपको पार्टी मौका देती तो जीत पाएंगी उनके सामने? जो पार्टी मौका देगी, हमारे सामने हनुमान बेनीवाल जी जब खड़े हुए थे, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बोला था कि मेरे एक पुराने परिवार से रंजिश थी और उसके लिए मेरे पास में कुछ वोट कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने बीजेपी के साथ गठबंधन करा था ताकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा वोट मिल सके और मैं हरा सकूं। तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो वो क्या करेंगे। आप कहने के बाद जाट कितना लामबंद होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, समय बताएगा। फिर भी उम्मीद क्या है इस विधानसभा चुनाव में, बीजेपी की कमल खिलाएगी? ये बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी, 2024 के अंदर ज्यादा से ज्यादा सांसद लेकर आएगी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आप बात दिल्ली के भारत मंडप की, जहां पर आयोजित G20 के गाला डिनर में विदेशी मेहमानों का भारतीय अंदाज नजर आया। अधिकतर विदेशी मेहमान भारतीय कपड़ों में गाला डिनर में शामिल हुए। जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा की पत्नी युको किशिदा जब गाला डिनर में पहुंची तो सभी की नजरें जापानी गुड़िया पर टिक गईं। उन्होंने साड़ी पहनी थी और बिंदी भी लगाई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा सूट में नजर आईं। दरअसल भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विदेशी मेहमानों के लिए ये डिनर का आयोजन किया था।